तो गाइज अभी हम लोग आ चुके हैं जोरबाग और यहाँ से अभी हम लोग जाने वाले हैं इंडियन रेलवे म्यूजियम। और अभी हमारी आ चुकी है ओला गाड़ी और दोस्तों अभी तक यहाँ पे काफ़ी चार्ज मांग रहे थे 100 रुपीज़, तो अभी हम लोगों ने 85 में बुक कर लिया है और हम लोग जाने वाले हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग चलते हैं इंडियन रेलवे म्यूजियम और अभी हम लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं। तो गाइज यहाँ का कितना ज़्यादा चार्जेस मांग रहे थे हम लोगों से ऑटो का? बिल्कुल गाइज, तो हम लाइक 120 रुपये मांग रहे थे। हाँ 120 एंड 100 रुपीज़ के आसपास था। फिर उसके बाद हम लोगों ने बात करा, फिर भी नहीं माने, फिर उसके बाद हमें बुक करना पड़ा छोटा कितना 85 रुपीज़ पड़ा है। अभी हम लोग आ चुके हैं इंडियन रेलवे म्यूजियम और यहाँ पे हम लोगों ने ले लिया है टिकट और इसमें आप देख सकते हैं कि 100 का टिकट पड़ा हुआ है क्योंकि आज हमारा वीकेंड है। और दोस्तों 50 रुपीज़ हमें लेना पड़ा है ट्वाइस ट्रेन के लिए। तो चलिए अंदर एंट्री करते हैं। चलो चलते हैं अंदर और देखते हैं क्योंकि आज हम लोग तीनों आ चुके हैं, तीनों बंदर गांधी जी के एक्सप्लोर करने के लिए इंडियन रेलवे म्यूजियम को। क्यों गाइस? बिल्कुल बिल्कुल, और हम आगे जाएंगे, बहुत सारी चीजें करेंगे, क्या करेंगे वो पता नहीं पर देखते हैं क्या होता है। मैं तो फॉरनर ताड़ूंगा गाइस। इंडियन रेलवे म्यूजियम की सर दीवारों को देख सकते हैं, कितना खूबसूरती से यहाँ पे पेंटिंग की गई है और सारे ट्रेन के बारे में यहाँ पे बताया हुआ है दीवारों पे, इनका कंट्रीब्यूशन क्या क्या रहा है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाती हैं। और यहाँ की खूबसूरती के बारे में आप देख सकते हैं, पीछे रोड के जस्ट साइड जितने भी दीवारें हैं उधर हैं और पीछे यहाँ पे आपको ट्रेन लगे। गाइस अभी हम लोग अंदर आ चुके हैं और अभी आप देख सकते हैं मेरे पीछे का नज़ारा, जो बहुत सारे फुहारे हैं दोस्तों, पानी का जो फुहारा है वो इधर आ रहा है हवा की वजह से और लोग काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे। और यहाँ पे देख सकते हैं मेरे दोस्तों ने इसे व्यू बना दिया है और काफ़ी मज़ा आ रहा है हम लोगों को। तो गाइस अभी हम लोग चल रहे हैं जॉय ट्रेन पर बैठने के लिए और उसके लिए हम लोगों ने 50 रुपीज़ का टिकट लिया हुआ है। वो तो जल है तो कल है या जो जल है वो कल है, सब कुछ है। तो चलते हैं, पहले जॉय ट्रेन पे बैठते हैं फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो गाइस हमारी ट्रेन अभी छूट गई है और हम लोग वेट कर रहे हैं यहाँ पे और अभी वेट कर रहे हैं, फिर ट्रेन नहीं आएगी फिर उसके बाद हम लोग उसमें बैठने जाने वाले हैं। जिस ट्रेन का हम लोग वेट कर रहे हैं वो ट्रेन आ चुकी है और इसमें हम लोग एंट्री करने जा रहे हैं। सो लेट्स सी, इतना भी नहीं, ट्रेन भी इतना ऐसे नहीं, इतना ही मिलेगा बिकॉज़ हां बट पचास यहां आ गए यार। बिल्कुल बिल्कुल, तो अभी ट्रेन में बैठ चुके हैं और फिर उसके बाद अभी हमारी ट्रेन जाने वाली है। चलो कैसी लगी ट्रेन? हां
गाइस हम लोग पीछे से अभी जस्ट सफर करके आ रहे हैं, पीछे जो आप ट्रेन देख रहे हैं छोटी सी ट्रेन है बट अच्छी है और पूरी तरह से आपको राउंडिंग करके आ जाती है यहाँ पे। और अभी दोस्तों इसके बाद हम लोग जाने वाले हैं राष्ट्रीय रेल संग्रहालय, जो अंदर आपको पुराने जो भी हैं स्ट्रक्चर, जो इंजन्स पुराने रहे हैं वो सारा कुछ आपको देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं, भारतीय इंडियन रेल की शुरुआत अंग्रेजों के द्वारा 1832 से स्टार्ट हुई थी, जैसा कि 1832 में दोस्तों पहली बार प्रस्ताव दिया गया था इंडियन रेलवे का। और मेन इसका रीज़न ये था कि अंग्रेजों को दोस्तों इससे फ़ायदा होने वाला था, क्योंकि वो चाहते थे कि जितने भी हमारे गुड्स थे उनका एक छोर से दूसरे छोर तक ट्रेन की मदद से आसानी से जाया जा सकेगा। इसकी वजह से उन्होंने इंडियन गानों का, जैसा कि आप देख सकते हैं जो फना मूवी आपने देखा होगा उसमें दोस्तों जो सॉन्ग है सुहा अल्लाह वो वाला सॉन्ग यहीं पे शूट हुआ था और इन्हीं के ट्रेन्स की मदद से शूट हुआ था। और पीछे दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे भी एक गाना शूट हुआ था, एक मूवी का सीन है, जब भी मेट का सीन है ये, और इसमें शूट हुआ था करीना कपूर के साथ। जो दोस्तों रेलवे म्यूजियम में आने का सबसे बड़ा फायदा जो हुआ मुझे, वो मेरे दोस्त को यहाँ पे जॉब मिल गई और दोस्त मेरा देखिए पूरा एंजॉय कर रहा है इस जॉब को। कैसा फील कर रहे हैं इस जॉब में आके सर? सेम जॉब है, यहाँ भी बैठना वहाँ भी बैठना होता, बस यहाँ एसी नहीं है। सही बात है, यहाँ पे डीसी है, मजा आएगा। जा सिमरन जा, जी ले अपनी जिंदगी। बाबू जी जाने दीजिए, जा सिमरन सिमरन इधर आ जा। राज सिमरन रुक जाओ सिमरन। देखिए छोटे बच्चों का, इन्हें देख के मुझे अपना बचपन याद आता है। सही है, इसे क्या बोल? पता भी नहीं क्या। तो अभी हम लोग खाने जा रहे हैं बेल पूड़ी और ये देते हैं अंकल 32-40 रुपीज़। बोला हम लोग नहीं खा रहे, अकेले खा रहा है। मुझे दे रहे हैं 20 में। तो गाइस अगेन समय आ चुका है ब्लॉग को एंड करने का। होप कि आपने एंजॉय किया होगा वीडियो को। और दोस्तों ये जब पर्सनल एक्सपीरियंस काफी अच्छा था फोटो खिंचवाने के लिए, बट ये काफ़ी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छा था, बच्चे काफ़ी इन्जॉय करते। बट दोस्तों हमें कुछ एक्सप्लोर करना था तो हम लोग यहाँ पे आए, बट अच्छा एक्सपीरियंस था, मैंने भी काफ़ी इन्जॉय किया। और अगर आपको रेलवे
हिस्ट्री के बारे में और रेलवे के बारे में आपको इंटरेस्ट है तो काफ़ी अच्छा लगेगा। और प्रॉब्लम ये थी कि रेलवे इंजन्स बहुत ज़्यादा थे और उनके बारे में कोई नॉलेज नहीं थी, तो ये सारी प्रॉब्लम थी। और दोस्तों हम लोग थोड़ा सा लेट भी आए थे जिसकी वजह से एक्सप्लोर करने में थोड़ा सी दिक्कत आई। तो होप कि आपने ओवरऑल काफ़ी इन्जॉय किया होगा। अगर आपके पास कोई भी क्वेश्चन है इसके बारे में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपके पास अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो सी यू एंड कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़।